चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें और ये रेसिपी कैसी लगी कृपया मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज हम पनीर पसंदा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने ये 300 ग्राम पनीर लिया है, ये कॉर्नफ्लोर है, ये टमाटर प्यूरी, ये काजू, ये अदरक हरी मिर्चा और गार्लिक, ये नमक, ये दही 2 चम्मच दही है, ये लाल मिर्च पाउडर, ये पोस्ता दाना, ये ग्रीन धनिया पत्ता की चटनी, ये बादाम मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, ये काजू है छोटे छोटे काट लिए, और ये किशमिश और ये प्याज। इसको हम एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। ये मेरा ये कॉर्नफ्लोर तैयार है। अब हम इसको ये जो किनारे की थी इसको हम ऐसे मैश कर लेंगे। ये ऐसे मैश कर दिया। अब हम इसमें ये किशमिश मिलाएंगे, ये काजू है और ये बादाम, ये पुदीना है पुदीना की चटनी, ये धनिया की धनिया पत्ता की चटनी। अब हम इसमें जरा नमक इसमें मिलाएंगे और थोड़ा नमक हम ये कॉर्नफ्लोर में मिलाएंगे। अब हम ये पूरा ये मिश्रण है जो इसके ऊपर में ऐसे फिलिंग कर देंगे। और बड़ी सावधानी से हम इसे ये ऐसे ऊपर इसको फिलिंग कर देंगे। अब ये हम इसके ऊपर सैंडविच के जैसे कर लेंगे और इसका हम ऐसे कट कर देंगे। ये हमारी इसकी फिलिंग हो गई है। अब हम एक कढ़ाई में तेल चढ़ाएंगे। ये अब इसको हम ये डिप करके इसमें ये मेरा हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारे पनीर पसंदा तैयार हो गए। अब हम ये हम काजू, प्याज, ये मगज के बीज, ये मैंने हरी मिर्चा, ये गार्लिक और ये लहसुन
अदरक और ये दही डाल के अब हम इसमें 2 टीस्पून तेल डालेंगे, 1 टीस्पून बटर, 1 टीस्पून ये प्यूरी डाल देंगे। अब हम इसमें ये लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, ये ग्रेवी, पनीर की सब्जी भी जरा मीठी होनी चाहिए इसलिए हम इसमें 1/2 टीस्पून शुगर मिला रहे हैं। इसे हम 5 मिनट ढक देंगे। ये मेरी ग्रेवी अब बढ़िया से सिक चुकी है, हो चुकी है। अब हम इसमें ये थोड़ा पानी मिलाएंगे। ये हमारी तैयार हो गई।